यदि आप खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत 100% निश्चित है। जय हिंद। इसी प्रेरक विचार से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मैं नीलम आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला की ओर से आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वर्ण विच्छेद भाग दो। वर्ण विच्छेद भाग एक पुनरावृत्ति। वर्ण विच्छेद की परिभाषा: हिंदी भाषा का स्वर ज्ञान, स्वरों की मात्राओं का ज्ञान, वर्ण विच्छेद संबंधित नियमों के अंतर्गत पहला नियम मात्राओं का वर्ण विच्छेद। यदि किसी को भी इन विषयों से संबंधित कोई भी शंका हो तो आप वर्ण विच्छेद भाग एक की वीडियो पुनः देख सकते हैं। बात करते हैं वर्ण विच्छेद के दूसरे नियम की, जो संयुक्त व्यंजन के ऊपर आधारित है। सर्वप्रथम हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल चार संयुक्त व्यंजन हैं, जो इस प्रकार हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको उच्चारित करते समय तीन ध्वनियों का उच्चारण होता है। जैसे क्ष में क धन श धन अ। दूसरे संयुक्त व्यंजन त्र में त धन र धन अ। तीसरा, जिसे ज्ञ और ज्ञ भी बोला जाता है, का वर्ण विच्छेद होगा ज धन ञ धन अ। अगला और अंतिम संयुक्त व्यंजन है श्र, जिसका वर्ण विच्छेद है श धन र धन अ। आइए बात करते हैं इन संयुक्त अक्षरों से बनने वाले शब्दों की और उनके वर्ण विच्छेदों की। पहला व्यंजन क्ष और उससे उसका पहला उदाहरण है क्षमा, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा क धन श धन अ धन म धन आ। अगला उदाहरण शिक्षा, श धन ई धन क धन श धन आ। अगला उदाहरण, अगला संयुक्त व्यंजन है त्र, चित्र। इसका वर्ण विच्छेद होगा च धन ई धन त धन र धन अ। अगला उदाहरण त्रिभुज, त धन र धन ई। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि क्योंकि त्र अकेला नहीं है, इस पर ई की मात्रा आ गई है, इसलिए आप त र अ नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो दोबारा से एक बार पुनः देखिए, त्रिभुज का वर्ण विच्छेद त धन र धन ई धन भ धन उ धन ज धन अ। हिंदी वर्णमाला में जो तीसरा संयुक्त व्यंजन है वो है ज्ञ। सबसे पहले तो इसके उच्चारण को लेकर बात करें तो इसको आपने अभी तक सुना होगा ज्ञ, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो ज्ञ होता है। जैसा कि हम इसके वर्ण विच्छेद में ही देख सकते हैं कि इसमें ज ञ और अ आता है। तो आज के समाज में दोनों ही रूप ज्ञ और ज्ञ दोनों ही प्रचलित है, दोनों को ही स्वीकार किया जाता है। परंतु जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यदि आप इसको ज्ञ उच्चारण कर कर ही इसका वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद में त्रुटि की संभावना कम होगी। तो आइए बात करते हैं इसके पहले उदाहरण की। पहला उदाहरण है यज्ञ। इसका वर्ण विच्छेद होगा य
धन अ, धन ज, धन य, धन अ। ज्ञान या ज्ञान जो भी आप कह सकते हैं इसको, ज, धन य, धन आ, धन न, धन अ। अंतिम संयुक्त व्यंजन है हमारे पास श्र, श्रोता, श, धन र, धन ओ, धन त, धन आ। श्रुति, श, धन र, धन उ, धन त, धन ई। वर्ण विच्छेद का तीसरा नियम है द्वित्व व्यंजन। सर्वप्रथम ये जान लेना आवश्यक होगा कि द्वित्व व्यंजन कहते किनको है। द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है जहाँ दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए, या फिर दूसरे शब्दों में दो में से एक व्यंजन आधा हो। उदाहरण के लिए इस्तेमाल, यहाँ पे स व्यंजन आधा है, या फिर कह सकते हैं स्वर रहित है। दूसरा उदाहरण अमावस्या, इसमें स आधा है, स्वर रहित है। इस्तेमाल शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा ई, धन स, धन त, धन ए। धन म, धन आ, धन ल, धन अ। इस प्रकार दूसरा उदाहरण अमावस्या का वर्ण विच्छेद होगा अ, धन म, धन आ, धन व, धन अ, धन स, धन य, धन आ। वर्ण विच्छेद का अगला नियम है अनुस्वार। जब शब्द में अनुस्वार अर्थात बिंदु आता है तो उस शब्द का वर्ण विच्छेद करते हुए उस वर्ण का पंचम अक्षर भी हम लिख सकते हैं और उसकी जगह अ के ऊपर बिंदु द्वारा भी हम वर्ण विच्छेद को दर्शा सकते हैं। उदाहरण द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो उस अनुस्वार की जगह उस वर्ण के आगे के वर्ण के वर्ग में वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए संबंध, यहाँ पे स और ब दोनों के ही ऊपर अनुस्वार है जो पहले म के लिए आया है फिर न के लिए आया है। इस प्रकार इनका जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा स, धन अ, धन म, धन ब, धन न, धन ध, धन अ। प्रकार इस शब्द का अन्य तरीके से भी वर्ण विच्छेद स्वीकार्य है, जैसे स, धन अ, अ के ऊपर चंद्र, अ के ऊपर बिंदु, धन ब, धन अ, अ के ऊपर बिंदु, धन ध, धन अ। वेद का अगला नियम अनुनासिक। पहला उदाहरण सांप, स, धन आ, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, धन प, धन अ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है चांदनी, च, धन आ, आगे ऊपर चंद्र बिंदु, धन द, धन अ, धन न, धन ई। बात करते हैं वर्ण विच्छेद के अंतिम नियम र के विभिन्न रूप। र के मामले में जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपने जो ध्यान देने योग्य बात है वो है कि उस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं र के विभिन्न रूप। पहला उदाहरण है क्रम,
यहाँ पे आप उच्चारण पे ध्यान देकर ही शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। क्र क आधा और र पूरा। इसलिए जब हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि जब व्यंजन आधा होता है तो उसके आगे हम अ स्वर नहीं लिखते, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा क धन र धन म धन अ। अगला उदाहरण कर्म, ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्म, यहाँ पे क पूरा है और र की ध्वनि आधी है, इसलिए र के पीछे अ नहीं आएगा, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा क धन अ धन र धन म धन अ। अगला शब्द, अगला उदाहरण है हमारा गुरु, यहाँ वर्ण विच्छेद होगा ग धन उ धन र धन उ। अब इसमें र के ऊपर उ की मात्रा इसके पैर में ना लगकर इसके बीच में लगी होती है, और ये मात्रा जो है वो छोटे उ की है। बड़े उ की मात्रा के लिए हमें अगले शब्द के पे गौर करना होगा। तो अगला शब्द है ज़रूर, जिसका वर्ण विच्छेद होगा ज धन र धन उ धन र धन अ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया हो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।